सामने आई है जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। इस बीच मायावती ने कहा है कि इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, यहां पर अब सुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, कानून और जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी फिर से मीडिया के जरिए अपनी इस मांग को दोहराती है कि ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। चुनाव खत्म होते ही यहाँ उत्तर प्रदेश में फिर से कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है, अर्थात यहाँ चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच जाने के कारण अब पूरे प्रदेश में अधिकांश कानून का राज समाप्त होकर एक प्रकार से यहाँ जंगल राज ही कायम हो गया है। और इस बात का ताजा उदाहरण अभी हाल ही में बदायूं जिले में घटित हुई एक अति दुखद व अति चिंताजनक वारदात का है।